उत्तर प्रदेश के रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर हुआ दर्दनाक हादसा। बेटी के घर नातिन का जन्मदिन मनाकर लौट रहे बाइक सवार बुजुर्ग दंपति को तेज रफ्तार डीसीएम ने रौंदा। पत्नी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। मामला मिलेगा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आईटीआई मोड़ का है, जहां शिवाजी नगर मोहल्ले के रहने वाले राम बहादुर उम्र 65 वर्ष अपनी पत्नी फूलमती उम्र 63 वर्ष के साथ सम्राट नगर मोहल्ले से अपनी बेटी के घर से नातिन का जन्मदिन मनाकर वापस लौट रहे थे। तभी आईटीआई मोड़ के पास तेज रफ्तार डीसीएम ने उनको जोरदार टक्कर मार दी, जिससे फूलमती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं पति राम महादेव गंभीर रूप से घायल हैं, जहां स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी है। बोरा बाजार के पास से तो यहां पर घर जाने के लिए आईटीआई के लिए वही मोड़ पर पहुंचे हैं। आईटीआई मोड़ पर तो कोई डीसीएम गाड़ी कौन सी गाड़ी आई उसी से टक्कर ही हुआ, तो उनकी पत्नी तो ख़त्म हो गई है, भाई हमारे जख्मी हैं। क्या स्थिति है भी इनकी जी? अभी स्थिति क्या है? अब भाई तो ठीक लग रहे हैं, ड्रेसिंग हो गई है, जहाँ चोट लगी पैरों में, लेकिन पत्नी भी ख़त्म हो गई है और मर्चुरी उनको डाल दिया गया, ठीक शायद पोस्टमार्टम निकल हो जाए। डॉक्टर अतुल पांडे, ईएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रायबरेली। एक्सीडेंट का मामला क्या? हाँ, फूलमती 63 साल की उम्र है, शिवाजी नगर थाना मिल एरिया की रहने वाली हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पर मृत अवस्था में इनको लेके आए थे। और इनके साथ इनके हस्बैंड थे राम बहादुर सिंह 65 साल, उनके बाएं पैर में चोट लगी, उनका फर्स्ट एड करके कल सुबह वो ओपीडी में आके दिखाएंगे, एक्सरे वगैरह कराएंगे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।